अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ऐसे वीडियो का टाइटल है एशेज सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, हाउ डिड द एशेज सीरीज। दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट क्या है, तो वो कहेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशियन सीरीज, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसमें न जाने क्रिकेट की कितनी कहानियां बसती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एशियन सीरीज को एशियस क्यों बुलाया जाता है? ये नाम यूं ही नहीं इस सीरीज को दे दिया गया दोस्तों, क्रिकेट की सबसे लेजेंडरी दो टीम्स के बीच होने वाली एक जंग है, जिसकी कहानी में आप जाएंगे तो आपको प्यार, तकरार और बहुत सारा इतिहास देखने को मिलेगा दोस्तों। और आज इसी इतिहास को टटोलते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एशेज का नाम एशेज पड़ा और क्या है ये पूरी कहानी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है 1882 के अगस्त महीने में, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर किसी क्रिकेट मैच में हराया था। ये जीत बहुत बड़ी थी, इसलिए भी क्योंकि इन दोनों देशों का इतिहास काफी रोमांचक है। इंग्लैंड ने भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो व्यापार करने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने इस पूरे देश को एक जेल बना लिया था, जहाँ इंग्लैंड की सबसे खतरनाक कैदियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग इन्हीं कैदियों के वंशज हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में टिप्पणी करते हुए, एक बार तो इंग्लैंड के राजा ने ये कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जेल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि धरती पर आपको नर्क सिर्फ वहीं मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से इन दोनों देशों का इतिहास इतना खट्टा मीठा रहा है कि जब ऑस्ट्रेलियंस ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लिश टीम को हराया तो जैसे दुनिया में तहलका मच गया। और मीडिया की तो हमेशा आग में घी डालने की आदत रही है, इसीलिए तब एक समाचार पत्र ने तो इसे इंग्लैंड क्रिकेट की मौत कहा और इस मौत का शोक समाचार भी फ्रंट पेज पर छाप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट के मृत शरीर को जलाया जाएगा और उसकी एशेज या राख को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया जाएगा। अपनी हार से नाराज इंग्लैंड ने कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नया टूर्नामेंट प्लान किया। पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। इस वक्त इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले बयान दिया कि उन्होंने कसम खाई है कि वो एशेज वापस इंग्लैंड लेकर आएंगे। और जवाब में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का भी बयान सामने आया कि अगर ऐसी बात है तो वो भी कसम खाते हैं कि इन एशेज को हर कीमत पर डिफेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देंगे। उन दिनों कोई ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ट्रॉफीज का रिवाज बहुत बाद में आया। ये दोनों ही कैप्टन सम्मान और गौरव के लिए लड़ रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार भी थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। इंग्लैंड टीम ने हार के डर से ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच खेलने से पहले कई फ्रेंडली मैचेस भी खेले, और ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड एस्टेट में हो रहा था, जिसके मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच खत्म होने के बाद जॉन क्लार्क की बेबीसिटर फ्लोरेंस मर्फी ने स्टंप से बेल्स उठाई और उन्हें घर जाकर जला दिया। जलने के बाद वो बेल्स राख बन चुकी थी, और क्योंकि इस राख को कलेक्ट करने के लिए उनके पास कोई और चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एक खाली हुई परफ्यूम बॉटल में इस राख को भर दिया। शाम को एक पार्टी के दौरान इंग्लिश टीम से मर्फी का सामना हुआ और उन्होंने इंग्लिश कैप्टन की चुटकी लेते हुए उन्हें वह बॉटल दी और कहा कि आप चाहें तो इस बॉटल को इंग्लैंड वापस ले जा सकते हो, कह दीजिएगा कि मैं एशेज वापस ले आया। मर्फी का ये इशारा था कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया को तो हरा नहीं पाएगी, तो क्यों ना अपनी नाक बचाने के लिए इस बॉटल को ही वहाँ ले जाए। कैप्टन ब्लाई गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वो बॉटल अपने पास रख ली। तो इस दिनों में मैचेस हुए और इंग्लैंड जीत गई, और इस जीत के साथ वो इंग्लैंड की जनता के पास पहुंची, जहां उनका भरपूर स्वागत हुआ। और तब पब्लिक में इंग्लिश कैप्टन ने वो बॉटल निकाली और कहा कि वो एशेज वापस ले आए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह यहाँ भी कई ट्विस्ट आने बाकी थे दोस्तों। इसके कुछ दिनों बाद ही इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई फिर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन अपनी टीम के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेले, क्योंकि इस बार वो लड़ने नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार करने आए थे। वो जाकर मर्फी से मिले और उन्होंने उसे बताया कि उसके कॉन्फिडेंस से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, और ना सिर्फ इम्प्रेस हुए पर मर्फी से उन्हें प्यार भी हो गया। इतना कहकर उन्होंने मर्फी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मर्फी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्रिकेट की पिच से दूर इन दोनों की ये पार्टनरशिप 43 साल तक चली, और इस बीच वो बॉटल जो मर्फी ने उन्हें 1882 में दी थी और उनके घर में उनके प्यार की निशानी के रूप में पड़ी रही। ब्लाई के गुजर जाने के बाद मर्फी ने वो ट्रॉफी एमसीसी के हवाले कर दी,
और एमसीसी ने उसे अपने यहाँ एक यादगार के तौर पर रख लिया। इसके बाद 1990 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो हर दो साल में दोनों देशों के बीच एक टेस्ट टूर्नामेंट रखेंगे जो दोनों देशों में एक एक बार खेला जाएगा। इस सीरीज का नाम उन्होंने क्या रखा? जी हाँ, आपने सही समझा, एशेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एशेज की ट्रॉफी के रूप में उस परफ्यूम बॉटल की एक रेप्लिका रखी जाती है। वो परफ्यूम बॉटल जो दोनों देशों के झगड़े और दो प्रेमियों के प्यार को एक साथ सिंबलाइज करती है। एशेज सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो एक मौका है अपने उन मास्टर से बदला लेने का जिन्होंने उनके पूर्वजों को अपने देश में रखने लायक नहीं समझा था और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ये सोचकर कि ऑस्ट्रेलिया में रहना उनके लिए मौत से भी बदतर है। लेकिन आज उस जमीन पर पैदा हुए ऑस्ट्रेलियंस गर्व से अपना राष्ट्रगान भी गाते हैं और इंग्लिश क्रिकेटर्स की आंखों में देखकर अपने इरादे भी जाहिर करते हैं। ये इतिहास इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोचक बना देता है और शायद यही वजह भी रही है कि कुछ क्रिकेटर्स इसे वर्ल्ड कप से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। एशेज में परफॉर्म करने वाला हर क्रिकेटर स्टार बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बोलर मिचेल जॉनसन ने हाल ही में 2014 की साल में एशेज सीरीज में अपनी मूछें बड़ी कर ली थी और इस सीरीज में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीती पर उन्होंने इंग्लैंड को 5-0 से हराया। क्रिकेट के लहजे में कहें तो व्हाइट वॉश कर दिया। मिचेल जॉनसन का प्रदर्शन इस सीरीज में बेहतरीन रहा और उन्होंने सीरीज में 13.97 की औसत से 37 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इस तरह मिचेल जॉनसन का क्रेज इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपने मूछों के बाल नीलाम कर दिए जिससे उन्होंने 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या कहें 27.5 लाख रुपए रेस किए। ये सभी पैसे उन्होंने एक चैरिटी को डोनेट कर दिए। लेकिन शायद आप अब समझ पा रहे होंगे कि एशेज का इन दोनों देशों के बीच में क्या क्रेज है। अगर आपके पास भी कोई एशेज सीरीज से जुड़ी कोई यादगार याद है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दें। और आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड किसका पलड़ा एशेज में अब तक भारी ज्यादा रहा है? कमेंट्स में इसका जवाब भी लिख दें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके जी जनाब, चलो मुझे कम से कम ये तो पता चला कि सीरीज की का इतिहास क्या है, सीरीज का इतिहास क्या है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मामला क्या है, मामलात क्या हैं। और मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया पे हुकूमत की थी इसी तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया पे भी काबिज हो गए थे। बिल्कुल। और उस वक्त इन्होंने लूटा नहीं था ऑस्ट्रेलिया को बल्कि वहाँ जेलें बना दी थी और उन जेलों में अपने क्रिमिनल्स को रखा था। और ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं अभी ये समझिए उन्हीं का वंश है। आप इस तरह सबसे पहले समझें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया से कटा हुआ है। दुनिया के नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया अलग ही एक देश है, जो अलग ही एक बर्रे आज़म है और बर्रे आज़म के आसपास पानी है। सही है। तो वहाँ पर जेल इसलिए बनाई जाती है ऐसी जगह पे कि कैदी जा भी ना सके बाहर जब तक उसके पास कोई रास्ता ना हो। नर्क का नाम दिया उसे। हाँ, जब तक कोई रास्ता ना हो। सही। क्योंकि पानी है आसपास और बहुत बड़ी बड़ी जेलें जो है ना वो इसी तरह बनाई जाती है कि जजीरे पर जहाँ पे निकलना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन, मतलब नामुमकिन। तो ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने जेल बनाया हुआ था। फिर जाहिर सी बात है जेल ख़त्म हुई, उनके हुकूमत ख़त्म हुई ऑस्ट्रेलिया पर, लोग आज़ाद हो गए होंगे, फिर उन्हीं नस्लें बढ़ी होंगी उनकी। आज ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही तरक्की याफ्ता देश है और मैं कहता हूँ तरक्की तो उन्होंने अपनी जगह की है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से इनका एक नाम है। क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं और वैसे भी ऐश। मैंने जब भी दिफाकन कह लें इसको, मैंने जब भी क्रिकेट देखा है, वैसे तो बहुत कम देखा है लेकिन जब भी देख रही होती हूँ क्योंकि मैं अक्सर फाइनल देख लेती हूँ और फाइनल में ज़्यादातर मुझे इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया ही दिखाई दे रहे होते हैं। सही, बाहर हो चुके होते हैं अक्सरियत से। अच्छा, इंग्लैंड का भी अपना एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है वो। तो उसके अंदर मैंने अक्सर देखा है ऑस्ट्रेलिया जीत रहा होता है, मतलब इतफाक कह लें इंग्लैंड भी जीत रहा है। वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते, मुझे ऐसा लगता है ही जीते हैं। तो अक्सरियत से मैंने ये देखा तो उन्होंने सही कहा कि उनके नज़दीक वर्ल्ड कप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके नज़दीक ये होता है कि आज हमें इनसे बदला लेना है, इनको मजा चखाना है जो इन्होंने हमारे साथ किया है। इंग्लैंड के कुछ टीमों के पुराने जो खिलाड़ी थे जो उनका बड़ा नाम था, जिनमें मैं कहता हूँ कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, शेन वॉर्न, जिनकी अभी पिछले दिनों डेथ हुई है। अभी शेन वॉर्न की पिछले दिनों डेथ हुई है, वो स्पिनर बॉलर थे, यहाँ पर उसकी गेंद गिर रही है ना, वहाँ पे विकेट पे डाल रही है। यूँ समझ लें कि गेंद इतनी दूर होती है
कि बैट्समैन यूँ छोड़ता है कि जा भाई विकेट ये रही मेरे पीछे, तू यहाँ गेंद फेंक रहा है तो जाने दे रहा है, वाइट हो जाएगी, वाइट बॉल हो जाएगी, ठस बोल्ड। लोग हैरान, लोग शॉक हो गए, बहुत आला। शेन वॉर्न की अभी डेथ हुई है, महीना हुआ, डेढ़ महीना हुआ मेरे ख्याल में शायद। इन जैसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया का दुनिया के इतिहास में पैदा नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा विकटें, इतना ज़्यादा इनके रिकॉर्ड, इनके सामने खड़े होने वाले की ना टांगे कांपती, काफ़ी टांग जाती सब कुछ। तो इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग बहुत ही ख़तरनाक इनके बैट्समैन, मार्क वाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं जानता हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत टीम मैं कहूँगा। बाकी पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लेते हैं कि वाकई जब भी पूरी दुनिया इसका मुकाबला देखती है, जब सेकंड नंबर पे आते हैं इंडिया पाकिस्तान होता है, उसके बाद अगर हम बात करें, चर्चा करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की करेंगे, लेकिन नंबर वन पे अभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको अगर आपको मैं एक खिलाड़ी पूरी दुनिया में कहूँ कि आपका फेवरेट खिलाड़ी, तो आप किसको कहेंगे? सबसे पहले टीम बताएं, फिर खिलाड़ी बताएं। विराट इंडिया। और टीम बता दो। दिया इंडिया, टीम भी बता दी। और हाँ ना, इंडियन है ना, इंडियन टीम है ना। अच्छा, मैं समझ खिलाड़ी अलग बताएंगी आप, इंडिया का खिलाड़ी है फिर विराट कोहली। हाँ। वो मुझे तो पसंद है, टीम मुझे पसंद होगी उसी में से आपको क्रिकेटर बताऊंगी। और पूरी कोई टीम अलग से कोई पसंद नहीं इंडिया। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा खेलने में पसंद था सौरव गंगुली, उनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल, बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़े से बाल कर्ड से थे शायद, है ना, लेकिन बहुत सुकून से खेलते थे, बहुत इत्मीनान था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलते थे। और ये जो शेन वॉर्न है ना, इनकी बॉलिंग, स्पिनर से इनकी बॉलिंग आला आला आला। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉलिंग में पसंद थे, स्क्लैन मुश्ताक, इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली है, सारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सारे लोग मौलाना हो गए। खैर, बहरहाल आज हमें इतिहास पता चला एशिज सीरीज़ के बारे में। इसकी कोई हमसे बात करे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या मामला रहे। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कहूँगा वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।